नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शारदा पांडे जी की। और शारदा पांडे जी को आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, मेनली ये पूजा विधियाँ, व्रत विधियाँ या फिर आप कह सकते हैं धार्मिक जो महत्व की चीज़ें होती हैं, जो धार्मिक मूल्यों की चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों पर ये वीडियो अपलोड करती हैं, मेनली उन्हीं चीज़ों पर ये वीडियो डालती है अपने चैनल पर। और भी बहुत सारी तरह की आप कह सकते हैं लाइफ रिलेटेड चीज़ें, जो भी जीवन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पूजा से जुड़ी हों, चाहे वो कोई भी और चीज़ें हों, ये अपने चैनल पर अपलोड करती हैं। तो आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, शारदा पांडे जी के चैनल आसान ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। आसान ज़िंदगी इनके चैनल का नेम है। तो आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इन तरह की वीडियोज़ में या इन टाइप की वीडियोज़ में हम लोग क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स की अर्निंग इनकम की बात करते हैं, यानी कितने डॉलर्स या भारतीय रुपए पैसे वे अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर लेते हैं या बना लेते हैं, इन्हीं चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम आसान ज़िंदगी चैनल यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं। और आप उनके चैनल का आइकन या चैनल का जो आप कह सकते हैं पिक्चर लाइक इंटरफेस होता है ना, वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर बाएँ हाथ साइड पर देख सकेंगे। वहीं पर आपको उनके चैनल का नेम आसान ज़िंदगी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आप अगर आप सेंटर पे देखेंगे तो आपको बड़ा सा पिक्चर लाइक इंटरफेस, उनके चैनल का बड़ा सा पिक्चर लाइक इंटरफेस या चैनल वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा सेंटर पे बीचों बीच। साथ ही में अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको उनके चैनल की जितनी भी डिटेल्स होती हैं, चाहे वो कितने इनके अब तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कितने व्यूज़ अब तक टोटल चैनल पर आ चुके हैं, और भी जो इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं, कितनी टोटल वीडियो ने अब तक अपलोड कर रखी है, जितनी भी जानकारी वगैरह है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, डाटा वगैरह है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी वगैरह में, इन्फॉर्मेशन वगैरह में इंटरेस्ट है तो अभी आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए। अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अर्निंग इनकम। जिस वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया है या जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन पॉइंट्स या तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ जो आपको किसी भी अर्निंग या किसी भी यूट्यूबर की अर्निंग जानने से पहले जान लेने चाहिए। अगर आप ये तीन पॉइंट्स जान रहे हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पहली चीज़ तो ये कि जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ, वो एक वेबसाइट बेस्ड डाटा है। आप खुद देख सकते हैं, एक वेबसाइट बेस्ड डाटा है। दूसरी चीज़, जो अर्निंग इनकम मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ, वो हर महीने के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आती है। यानी हर महीने इनकी अर्निंग आपको कुछ अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे व्यूज़ पे ऐड या एड्स पे या बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है अर्निंग यूट्यूब की। तो हर महीने इसलिए अर्निंग आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तीसरी और लास्ट चीज़, जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ, वो हर मंथ के हिसाब से अलग अलग आती है। यानी हर महीने के हिसाब से अलग अलग अर्निंग आपको देखने को मिलती है यूट्यूब से। ये तीसरा पॉइंट है। और चलिए अर्निंग की बात कर लेते हैं, अर्निंग या देख लेते हैं कितनी हो जाती है और अब बातें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सेंटर पे देख सकते हैं, बीचों बीच मैं आपको दिखा दूँ, $499, जैसे हम लोग कह सकते हैं $500, 99 आप मांगे चलिए $500, तो $500 यानी $500 एक मंथ के हिसाब से शारदा जी के अर्निंग यूट्यूब से अर्निंग हो जा रही है। और ये $500 देखिए अभी डॉलर्स में है, अमेरिकन करेंसी, अमेरिकन पैसों में है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे इंडियन रुपीज़ में, भारतीय रुपये पैसों में कन्वर्ट करेंगे और जानेंगे कि भारतीय रुपये पैसों में, इंडियन रुपीज़ में कितने होते हैं $500। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने गूगल खोल लिया है और गूगल पर मैं $500 लिख लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जितनी अर्निंग आई थी, और उसे मैं इंडियन रुपीज़ में, भारतीय रुपये पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखते हैं भारतीय रुपये पैसों में कितने होते हैं $500। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 38,822, या आप मान सकते हैं लगभग 39,000 के हिसाब से, 1,000 कम 40,000, 1,000 लेस देन 40,000, तो इतना हो जाता है एक मंथ के हिसाब से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। थैंक्स।